नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। पूर्वी सिंहभूम जिले में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार चौक चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान से ट्रैफिक पुलिस शहर के लोगों को एक संदेश भी दे रही है कि हेलमेट पहनना सभी को जरूरी है, जिससे दुर्घटना से जान बच सकती है। हालांकि यह जानकारी सभी को है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। उधर ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमों का पालन कराने के लिए लोगों से लगातार हेलमेट के लिए जुर्माना वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है। उधर ट्रैफिक डीएसपी बब्बन सिंह ने लगातार शहर में घूम घूम कर लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने का आग्रह किया है। इससे पूर्व उन्होंने सड़क पर चलने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अनुरोध किया था। इतना ही नहीं, शहर में चलने वाली बड़ी गाड़ियों की भी कागज की चेकिंग की जाती है। इसी कड़ी में सोमवार को ट्रैफिक डीएसपी बब्बन सिंह ने अचानक आदित्यपुर खड़काई पुल के पास सोमवार देर शाम चेकिंग की। इस दौरान कई बड़ी गाड़ियों में खामियां पाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रैफिक डीएसपी बब्बन सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान टाटा से मुसाबनी चलने वाली एक बस को रुकवाकर जांच करने पर गाड़ी में ना कोई पेपर पाया गया और ना ही कोई परमिट। इतना ही नहीं, चालक के लाइसेंस तक फेल रहा। उन्होंने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जुगसलाई थाना पहुंचाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने 2407 माल रोड हालात में पेपर का जांच कर फाइन किया। साथ ही एक बिना नंबर के नए बस में पैसेंजर बैठाकर ले जाने के दौरान गाड़ी को रुकवाकर जांच का निर्देश दिया। आदित्यपुर खड़काई ब्रिज के पास में हूँ, मैं इसकी ट्रैफिक खोल रहा हूँ। मुझे ऐसी जानकारी मिलती रहती है, कुछ गाड़ियाँ बिना कागजात के चल रही। मैंने इस जगह पर आया है, मैंने एक छोटा सा चेकिंग लगाया। चेकिंग के दौरान मैंने एक बस को पकड़ा जिसका नंबर है J05BY5069। ये जब मैंने इसका कागज चेक किया तो इसके ड्राइवर के पास वो ड्राइविंग लाइसेंस तो था, लेकिन वो ड्राइविंग लाइसेंस तो करीब एक साल पहले से फेल पड़ा हुआ है। वो भी प्राइवेट लाइसेंस था, जिसके आधार पर मैंने उसके बस मालिक से 5000 रुपये मैंने विदाउट डेल के रूप में मैंने फाइन पकड़ा। एक दूसरा बस पकड़ा, लाल रंग की गाड़ी है जो टाटा से मुशाबनी चलती है, J05AB8652। उस गाड़ी में कोई कागजात नहीं है। मैंने उस गाड़ी को अभी सीज किया और सीज करके मैं जुगसलाई पीएस पर उसको मैंने भेज रखा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि 2407 खड़ी है जिसमें सीमेंट लोड है। उनको पेपर मांगता हूँ, उनके पास कोई पेपर नहीं है। वो बता रहे हैं कि अभी पेपर ला रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि गाड़ियों का क्या हाल चाल है। पेपर होगा ओके तो मैं छोड़ दूंगा, अगर पेपर डिफेक्टिव होगा तो नियमानुसार उनसे फाइन कलेक्ट। आपने ठीक बोला, मैंने बस को रुकवाया, उसमें आगे कोई नंबर प्लेट नहीं था और उसमें कुछ पैसेंजर्स भी बैठे हुए थे, कुछ मतलब 17-18 लोग हैं। मैंने गाड़ी को रुक के बुलाया, बोला 2 दिन पहले की गाड़ी है। तो मैंने पूछा, यदि 2 दिन पहले की गाड़ी है तो फिर पैसेंजर किस रूप में तुमने बैठा रखा है, क्या तेरा कोई रोड परमिट है इसके लिए, जो कहाँ जा रहा है कहाँ से ला रहा है। वो कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके कागज को देखने जा रहा हूँ, कागज उसके पास थी, गाड़ी में कोई कागज नहीं है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि वो गाड़ी में बिल्कुल गलती है कि एक तो उसने नंबर प्लेट नहीं डाला है। मात्र मैं जहाँ तक समझता हूँ, नई गाड़ियाँ जब रोड में आ जाती हैं तो उनका इंश्योरेंस केवल होता है, बाकी गाड़ियाँ तो कोई कागज उसका नहीं। मैं देखूंगा कि क्या क्या कागज उसका पहले, फिर मैं उसके हिसाब से कार्रवाई करूंगा। ये देखिए, तो मैं ट्रैफिक डीएसपी जमशेदपुर के रूप में हूँ, यह मेरी ड्यूटी है, मेरी जवाबदेही बनती है कि वैसी गाड़ियों को आप देखें और उनको पकड़े, जिनके ये कागज इत्यादि जो बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है उनको आप उन पर नजर रखें। तो मुझे ऐसे ही, मैं सरप्राइजली चेक करता हूँ, जब चेक करता हूँ तो इस तरह की त्रुटियाँ पाई जाती है और मैं नियमानुसार उन पर फाइन करते रहता हूँ। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।